शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी, बाबा ये तो खून आ रहा है इसे। ये उंगली कटी है ना, जान थोड़ी ना गई है। चलो ये सब छोड़ो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। और निधि, पूजा के फल कहाँ हैं? आशी, ये क्या फल लाई हो तुम? पूजा में ऐसे सड़े फल रखेंगे? कहाँ? ये मिलिए मेरे भाई कुणाल से। से हाय। हाय। तो हम लोग आपसे मिलेंगे शॉपिंग सेंटर में। अभी मुझे मेरे भाई को शॉपिंग पर लेकर जाना है। बाय। चले भाई। अब निधि और आशी तुम लोग भी चलो ना। ये कैसा फैब्रिक भेजा आपने? भेजने से पहले चेक नहीं करते क्या? अब जब आशी रस्ते से हट गई है तो आई डू एवरीथिंग टू मेक यूज ऑफ दिस सिचुएशन इन माय फेवर। फिर चाहे मुझे बहन जी क्यों ना बनना पड़े, आशी की तरह वेरी बहन जी। गीत, तुम कब आए? बस अभी तुम फोन पे थे तब। सिड मूवी चले? गीत, मुझे इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आज अक्षय तृतीया है तो शॉपिंग पे तो चल सकते हैं ना? ये मुझे बहुत काम है, प्लीज। सर, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम ऐसे काम में घुसे रहोगे, देवदास बने रहोगे तो क्या आशी वापस आ जाएगी? मुझे पता है वो वापस नहीं आएगी और मैं उसका इंतजार कर भी नहीं रहा। सर, मैं जानती हूँ तुम बहुत दर्द में हो, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा इस दर्द से निकलने में। लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। ये देखो गाइस, वैसे तो मैं सिर्फ मॉल में शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज ना, आज मैं आ गई हूँ स्ट्रीट शॉपिंग करने। ये देखो यहाँ का डेकोरेशन। ए मैडम, रोड पे क्या वीडियो बना रहे हो? चलो हटो। वो ये विद्या दीदी ना, दिन रात बस लाइव वीडियोस बनाती रहती, और लाइव वीडियो के चक्कर में कोई आके ठोक के भी जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा। चलो उसको लेके आते। चलो विद्या दीदी, आप यहाँ पर आओ, क्या कर रहे हो? विद्या बोलो। कुणाल को किसी ने किडनैप कर लिया बाबा। क्या? कुणाल का किडनैप हो गया? क्या कह रहे हैं आप? फोन दीजिए हमें। इधर ला। विद्या, क्या हुआ? अरे बेटे कुणाल को। हेलो हेलो बाबा, कुणाल भाई को किसी ने किडनैप कर लिया। अच्छा ठीक ठीक है बेटा, तुम दोनों घबराओ मत, हम तुम्हें आ रहे पिक करने के लिए। ठीक है ठीक है, मेन मार्केट। हम पुलिस को फोन करते हैं। राम जी, कहाँ होगा हमरा लल? हम जानते हैं हमारा कुणाल कहाँ है। कौन भाई, कौन तुम? कहाँ लेके जा रहे हो? क्या किया हमने? ए चल, ए हट, ए चल, बैठ जा। देखो छोड़ो हमें। चुपचाप बैठ। कौन हो तुम लोग? ये ले रस्सी, बांध इसको। ज्यादा ही ना हमारा गरीब खाना दिखाओ। हाँ मुकेश, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? छोड़ हमें। अबे चुप कर, ईद का चांद हो गया था तू है? दीपक, क्या अगर हमारा हाथ खुल गया ना, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाथ ऐसे थोड़ी खुल जाएगा, टाइट है। बैठो अब थोड़ी देर, अभी भैया जी आएंगे, हिसाब करेंगे।
आकाश भाई प्रकाश भाई क्या बोले तुम तो आसमान के तारे बन गए हो और अमीर बाप की औलाद भी निकला हमारा पैसा देने में मौत आ रही तुझे कितना फोन कर रहे तुमको कभी फोन काट देते हो तो कभी उठाते ही नहीं कहीं हमारे पैसे लेके रफू चक्कर होने का इरादा तो नहीं नहीं प्रकाश भाई हम आपके पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं जुगाड़ 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 बबुआ तुम ना एक बात समझ लो तुम ये जुगाड़ करने में रह जाओगे और तुम्हारा राज तुम्हारे घर तक पहुंचाने का जुगाड़ बन जाएगा समझ रहे हो गीत बेटा तुम यहाँ नमस्ते अंकल नमस्ते वो बस सिट से मिलने आई थी मैंने सोचा था कि अगर मैं सिट को घर से बाहर ले जाऊंगी तो शायद वो अपने दर्द से बाहर आ जाए लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने दिल से दर्द को निकालना ही नहीं चाहता सीने से लगा के घूम रहा है बेटा ये सिट है कहाँ अपने कमरे में गए सिट बेटा ये सामान कुछ दिनों के लिए घर से दूर जा रहा हूँ नहीं सिट तू कहीं नहीं जा रहा लेकिन पापा सिट बेटा तू हालातों से डर के भागने वालों में से तो नहीं था तो फिर अब कैसे तू अपने दर्द से कब तक भागता रहेगा तुझे अपने इस दर्द से लड़ना होगा कैसे कैसे लड़ू पापा कैसे आ रहा हूँ आशी मेरी कोई बात सुनने को राजी ही नहीं तो अब उसके साथ क्या होता है क्या नहीं मुझे भी फर्क नहीं पड़ता तो अब मुझे भी उसके बारे में नहीं सोचना तो एक ही बात सोचते मेरा परिवार मेरी शादी मैं उस घर की बहू उसके आगे उसकी कोई जिंदगी ही नहीं तो अब मुझे भी उससे कोई उम्मीद नहीं है पापा उम्मीद तो हमें भी तुमसे नहीं थी सिर्फ कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे बोल सिर्फ कहाँ है हमारा बेटा बता हमें कहाँ छुपा के रखा है हमारे बच्चे को माँ भी क्या कह रही है खबरदार जो माँ कहा हमें माँ नहीं है हम तुम्हारी हम कुणाल की माँ है वही कुणाल जिसकी जगह तू लेकर बैठा वही कुणाल जिससे बदला लेने के लिए तूने उसे किडनैप करवाया किडनैप अमृता ऐसे किसी भी इल्जाम नहीं लगाते अरे हमें यहाँ आने से पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था अपने बच्चों को ढूंढना चाहिए था बच्चे मतलब सिट भाई वो जब कुणाल भाई किडनैप हुए तो आशी भी उनके पीछे चली गई ऑटो में उन्हें ढूंढने के लिए पता पता हमें ये सब तेरी करतूत है ना आशी के लिए किया ना ये सब उसी पनौती की वजह से आज एक बार फिर हमारे बेटे की जान खतरे में है पता कहाँ छुपा के रखा है हमारे बेटे को कहाँ रखा है उसे बस बस अमृता बहन जी बहुत हो चुका आप ऐसे हमारे बेटे पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। ये सुबह से यहीं पर है कहीं बाहर नहीं गया तो फिर ये सब कैसे करेगा देखिए ये सब बेबुनियाद बेफुजुल बेवजह बात बेवजह नहीं है वजह है आशी आशी के साथ भागने की तैयारी थी ना तुम्हारी कुणाल को रास्ते से हटाने के लिए उसे उठवा लिया आशी कुणाल को बचाने के बहाने भागी है ना ताकि वो तुझसे मिल सके माँ आप जानते हैं आपकी आशी कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगी अब मैं नहीं जानता ये सब कैसे अनबिलीवेबल सिद्धार्थ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये सब तुमने किया है ये देखो कैसे किडनैप किया इसने कुणाल को ताकि तुम ये सब सबूत मिटा सको शट अप वी फोन दिखाओ इस वीडियो में उस वैन का नंबर कैप्चर हो गया सिट बेटा तुम चिंता मत करो आरटीओ कमिश्नर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है हम तुम्हारी उससे बात करवाते हैं हेलो हेलो कमिश्नर साहब हाँ शर्मा जी बोलिए कमिश्नर साहब आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी एक मिनट हमारे बेटे से बात कीजिए हेलो जी हाँ अंकल मैं आपको एक वैन का वीडियो सेंड कर रहा हूँ मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए प्लीज थोड़ा अर्जेंट है हाँ भेजो मेरी टीम प्रोटोकॉल फॉलो करके तुरंत तुम्हारी मदद कर देगी जी मैं भी सेंड करता हूँ सेठ हम जानते हैं ये सब तुम्हारा किया धरा है हमें हमारा बेटा सही सलामत वापस चाहिए
प्रकाश भाई प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे। वारे मेरे नौटंकी, अमीर बाप की औलाद, इतने बड़े महल जैसे घर का मालिक, क्या सोच रहा है कि हमें कैसे पता है तेरा घर महल जैसा है और जहां तू इतने दिनों से छिपा बैठा है। ज्यादा मत सोच, वो तेरे छपरी दोस्त है ना, उसने हमको सब बता दिया है। अरे वही जो दावत पे आए थे। और एक बात और बताइए, तेरी बीवी ये गाड़ी तो वही है, मतलब कुणाल भी एक ही होगा। देखना अब और नौटंकी नहीं, जल्दी अपने बाप को फोन लगा। और तेरा बाप तो तेरे पे पूरी जायदाद लुटा देगा, जल्दी कर वरना तेरा राज सबके सामने खोल दूंगा। देखिए आप ऐसा मत करिए प्लीज, हम बोले ना, हम आपका इंतजाम कर देंगे पैसों का, थोड़ा समय दे दीजिए बस हमें। मतलब तू अपने बाप को फोन नहीं लगाएगा? मुझे ही लगाना पड़ेगा। प्रकाश भाई प्लीज। अरे चुप, और हम लगाते हैं तेरे बाप को फोन और खोलते हैं तेरा काला चिट्ठा। जी कमिश्नर अंकल। हाँ सिद्धार्थ बेटा, उस वैन को पुराने लखनऊ की तरफ जाते हुए कैमरे में ट्रेस किया गया। मैं उसी तरफ निकलता हूँ, आप मुझे लोकेशन की अपडेट देते रहिएगा। ओके मैं भेजता हूँ। हमारी तरफ देखो, कहाँ भाग रही थी? किस नाम से सेवर है तेरे बाप का नंबर? प्रकाश भाई प्लीज आप मत करिए ना कॉल प्लीज। भाई बाप को छोड़ो, ये देखो इसकी बीवी हाथ लगी है। दिखा 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 दिखा। आप बात है, फोटो में एकदम हीरोइन लग रही भैया जी। सही पकड़े हो। अब बाकी की बची हुई बातें इसके बीवी के सामने। बिल्कुल। बीवी? आशी यहाँ? ले चलो। ए, चले राजा बाबू। ए, चल। ए, चल। यहाँ पे आशी नहीं है, अगर होती तो मेरे करतूतों का भांडा फूट जाता और मेरे हाथ एक कौड़ी नहीं आती। अबे बे उर्मिला, तेरी बीवी, लगता है बबुआ को सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, एक और है वो देख लो। देखिए प्रकाश भाई, हमने आपके पैसे लिए ना,
तो आप हमारे परिवार को मत घसीटो प्लीज। हमारे बीवी बच्चे को छोड़ दो। बहुत फड़फड़ाई। कुंदन कौन है ये लोग, क्यों लेके आए हैं हमको यहाँ? तुमने फिर से गलत काम शुरू किए ना, हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है। छोटा बच्चा है हमारा, आज उसकी जान जोखिम। चुप कर, बात कर रहे हैं ना। और ये क्या जान जोखिम में डाल दी? मुन्ने को कुछ भी हुआ तो हम जान ले लेंगे उसकी। सब अब आप हमारे मुन्ने को छोड़ दीजिए ना। तुम एक काम करो, कुंदन को बोलो एक फोन करने के लिए, बस उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा। कुंदन जो ये बोल रहे हैं वो कर दो ना भाई, प्लीज जाने दीजिए ना आप। आ जा। ऐसे कैसे? तुम्हारी बीवी नंबर वन को तुम्हारी बीवी नंबर टू के बारे में तो बता देते। हेलो सिद्धार्थ जी। अंकल बेटा वैन का पता लग गया, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। लोकेशन मिली? अंकल मैं इस लोकेशन के पास ही हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। आई होप आशी तुम ठीक हो। गाड़ी का नंबर तो यही है, मतलब कुंदन को किडनैप करके यहीं लेकर आए हैं। कुनाल, कुनाल, कुनाल तुम ठीक हो? आशी, थैंक यू जान, हमारी जान बचाने के लिए। बीवी बिया बच्चे समेत ले, तेरी बीवी नंबर टू भी आ गई, वो भी देखेगी तेरे कारनामे। प्रकाश भाई यही हमारे तिजोरी की चाबी है, बाबा इसी के नाम पे हमें पैसे देते हैं। अगर इसको सब कुछ पता चल गया ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और फिर आप अपने पैसे भूल जाना। ये लोग कौन थे और इन्होंने तुम्हें किडनैप क्यों किया? हमें कुछ नहीं पता कौन थे ये लोग, हमें अब घर जाना है, हमें घर ले चलो। कुंदन ये तो आशी की पायल है, इसका मतलब आशी यहीं गई। आज Oh.
जब हमने तुम्हारी पायल किसी और से लेके पहन ली, जब तुम्हारा सब कुछ हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा, तो जान लो ना, चाहेंगे तुम्हें इतना। लेके हाथों में हाथ चलेंगे साथ साथ, तो जान लो ना, चाहेंगे तुम्हें इतना। आखिरी दम तक मौत भी हमें नहीं कर सकती जुदा, चाहेंगे तुम्हें इतना। चाहे दर्द हो जितना, चाहेंगे तुम्हें इतना। I love you sir. हे राम जी, ये कहाँ हो रहा है हमारे घर में? आप खड़े क्यों हैं? पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रहे आप? बेटा टेंशन मत लो, सिद्ध गए ना कुणाल और आशी को लेने के लिए, आएगा। फिर आशी और सिद्ध? आपके दिल से दोनों का मोह उतरा नहीं है ना? अभी भाग गई होगी सिद्ध से शादी करने के लिए, हमारे बेटे को मौत के मुंह में धकेल के। सारा कुणाल ठीक है काकी? कुणाल, कुणाल बेटा, तू ठीक है ना बेटा? हाँ, ये क्या हो गया था? कहाँ, कौन थे वो लोग? तू आ बेटा, आराम कर। विद्या जा, पानी लेके आ जल्दी। हेमा बेटा, नहीं पता हमें किसने किया, क्यों किया। एक्चुअली हम बेहोश हो गए थे, जब होश में आए तो आशी हमारे सामने थी। आशी बेटे, तो ठीक है ना? हम ठीक है बाबा। तूने अपनी जान की परवाह नहीं की और इसे बचाने के लिए इसके पीछे भी नहीं चली गई? अगर तो तुझे कुछ हो जाता बेटा तो। अरे कुछ नहीं होगा, इसे सब दिखावा है, ढोंग कर रही है। ये सिद्ध ने किया है इसके लिए। अब तो आ गया ना हमारा बेटा घर पे, अब तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। देखिए वैन का नंबर तो है ही हमारे पास, पता चल जाएगा किसने क्या किया है। हम कह रहे हैं ये सब सिद्ध का किया धरा है, और राम जी की कसम अगर हमें पता चल गया कि ये सब सिद्ध ने किया है, छोड़ेंगे नहीं उसे, जेल भिजवा के रहेंगे। देख पानी दे बेटा। नहीं नहीं, हमें पुलिस स्टेशन जाने से रुकना होगा। अगर पुलिस प्रकाश भाई तक पहुंच गई तो हमारा राज इस घर तक पहुंच जाएगा कि हमारी बीवी और बच्चा भी है। नहीं, हमें सिद्ध पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बहुत चहेती है ना आपकी आशी, अब देखिए उस चहेती आशी के साथ हम क्या करेंगे, और जो करेंगे ना उसके बाद आप पैसों की बरसात कर देंगे। बेटा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी आशी को उसके दर्द से आजादी दिलवा सकता है। माजी से प्यार करते हो ना? लड़ो अपने प्यार के लिए, लड़ो।